नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग नो 2.0 के सभी दर्शकों का स्वागत है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के बहुत ही सुंदर टॉप 10 पर्यटन स्थल पर इस वीडियो में लेकर जाएंगे, जहां आप अपनी अगली छुट्टियों की योजना बना सकते हैं या बना रहे हैं। ये टॉप 10 जगह आपको बहुत ही खूबसूरत और यूनिक एक्सपीरियंस देगी। आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के ट्रैवलर हो, ये जगह आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएगी। तो आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हिमाचल प्रदेश के टॉप 10 घूमने की जगह को, जिसमें हमें देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में आने के लिए आपको 350 किलोमीटर आना होगा, जिसमें आपको आने में 7 से 8 घंटे लगेंगे। हिमाचल में सबसे पहली जगह जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जो हिल स्टेशनों में अपनी अनूठी पहचान के लिए जाना जाता है। भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में शिमला को हिल्स की रानी कहा जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली से 406.6 किमी की दूरी पर स्थित शिमला हनीमून और वीकेंड पर घूमने के लिए एक अच्छा विकल्प है। शिमला वह सब कुछ प्रदान करता है जो एक व्यक्ति चाहता है। बर्फ से ढके पहाड़, मंत्रमुग्ध करने वाली झीलें, आरामदेह वातावरण और मोहक वनस्पतियां। यहाँ के खूबसूरत चीड़, ताड़ देवदार के पेड़ों ने वातावरण को हरा भरा और तरोताजा बनाया हुआ है। शिमला दर्शनीय स्थलों का वह अटूट हिस्सा जो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल है। दूसरी जगह है मनाली। मनाली देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है और पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला की बर्फ से ढकी ढलानों के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ बर्फीले पहाड़ और जंगल हैं, जिनकी खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींचती है। गर्मी की छुट्टियों में शहर पर्यटकों से भर जाता है। लोग खास तौर पर मार्च और जून के महीने में यहाँ आना पसंद करते हैं। यहाँ आप पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग और घुड़सवारी जैसे खेलों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। तीसरी जगह है कुल्लू। कुल्लू भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले का एक शहर है। ये जिले का मुख्यालय भी है। ये कुल्लू घाटी में ब्यास नदी के तट पर स्थित है। कुल्लू उत्तर भारत का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। कुल्लू अपने मंदिरों, पहाड़ों और देवदार के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। ये कई साहसिक खेलों जैसे ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग आदि के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का तापमान न तो ज्यादा गर्म होता है और न ही ज्यादा ठंडा। यही वजह है कि यात्री कभी भी यहाँ छुट्टियां मनाने आ सकते हैं। चौथी जगह है डलहौजी। डलहौजी एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। पांच पहाड़ियों, काठलोंग, पोट्रेन, तेहरा, बकरोटा और बलून पर स्थित यह हिल स्टेशन चंबा जिले का हिस्सा है। ये अपने विक्टोरियन वास्तुकला, औपनिवेशिक आकर्षण, सुरम्य परिदृश्य और साहसिक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है। डलहौजी प्राकृतिक दृश्यों, फूलों, घास के मैदानों, तेजी से बहने वाली नदियों, शानदार धुंध भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। पांचवां स्थान है धर्मशाला। प्राकृतिक सुंदरता व संस्कृति का जहां मिलन होता है, वहां धर्मशाला जैसी जगह का जन्म होता है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। यह स्थान पूरी दुनिया में दलाई लामा के पवित्र निवास के रूप में प्रसिद्ध है। यह कांगड़ा नगर से 1869 किमी की दूरी पर स्थित है। छठी जगह है कसौली। समुद्र तल से 1795 की ऊंचाई पर स्थित कसौली हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह शिमला के दक्षिण में 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ घूमने लायक पर्यटन स्थलों में बैप्टिस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च, कसौली ब्रेवरी, मंकी प्वाइंट, नेहरी मंदिर और कसौली क्लब शामिल है। अपनी सफाई और सुंदरता के कारण मशहूर कसौली में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। सातवीं जगह है कसौल। मनमोहक दृश्य, रोमांचकारी गतिविधियां और साल भर पर्यटन केंद्र बने रहने वाले गंतव्य को चुनने की बात आती है तो वह कसौल है। पार्वती घाटी और पार्वती नदी का सौंदर्य यहां का मुख्य आकर्षण है। कसौल बैकपैकर्स के लिए हिमालयी हॉटस्पॉट है। आठवीं जगह है स्पीति घाटी। चारों ओर से हिमालय से घिरी स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में एक बर्फ से ढका रेगिस्तानी पहाड़ और एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यह हिमाचल प्रदेश का ठंडा मरुस्थल क्षेत्र है। साफ नीला आसमान, इतना करीब कि आप हाथ उठा के छूने की गुस्ताखी कर सकें। स्पीति घाटी साल के 6 महीनों तक बर्फ से ढकी होती है। नौवीं जगह है छितकुट। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले का एक गाँव है। यह बसपा घाटी में बसपा नदी के किनारे बसा हुआ है। छितकुल भारत का आखिरी गांव है
छितकुल भारत की छुपी हुई जगहों में से एक है। छितकुल धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि भारत का आखिरी गांव होने के कारण यहां बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है, इसलिए यहां आज भी शुद्ध हवा चलती है। हमारी लिस्ट में आखिरी जगह है कुफरी। कुफरी हिमाचल प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और सबसे पसंदीदा छुट्टी स्थलों में से एक है। कुफरी अपने बर्फीले परिदृश्य, मनमोहक दृश्य, प्राकृतिक सुंदरता के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। कुफरी हिमाचल की राजधानी शिमला से 15 किमी दूर स्थित है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो हिमाचल प्रदेश के टॉप 10 पर्यटन स्थल का अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।